ये लड़की तुम्हारी बीवी है? तो इसमें गलत क्या कहा मैंने? ऑफ कोर्स ही मेरी बीवी है, कोई भी पूछेगा तो यही बताऊंगा ना मैं। तुम अच्छी तरह से जानती हो कि खानदान में ये बात किसी को मालूम नहीं है। तुमने मुझे किसी के सामने मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। ये मसला आपका है अम्मी, ये शादी आपने खुद करवाई थी। और इस शादी की वजह क्या थी वो भूल गए हो? वजह जो भी हो, इस ताल्लुक को छुटलाया तो नहीं जा सकता ना बाबा। और वैसे भी मैं यहाँ होने वाली इसके साथ हर ज्यादती को बर्दाश्त कर रहा हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं चुपचाप बैठा हमेशा ये तमाशा देखता रहूंगा। अलीज़े, यहाँ क्यों खड़ी हो? किसी का इंतजार कर रही हो? नहीं भाभी, मुझे किसका इंतजार होगा? हाँ, अब तो वो कर रहा होगा तुम्हारा इंतजार। अलीज़े, तुम्हें मिलने जाना चाहिए था उससे। अहमर बता रहा था काफी ज्यादा चोट आई है। मेरे जाने से उनके जख्म भर थोड़ी जाएंगे, डॉक्टर है ना उसके लिए। लीजे, तुम कभी भी इतनी बेरहम तो नहीं थी? क्या हो गया है तुम्हें? अगर उसकी मोहब्बत का सिला नहीं दे सकती उसे, तो कम से कम उसके सब्र को तो ना आजमाओ। एटलीस्ट फोन पर कॉल करके उसे उसकी हालत तो पूछ लो कि वो कैसा है। तो कर सकती हूँ। दिल की बातें रह गई दिल में, चुपने आग लगाई। मेरे और आपके रास्ते अब अलग अलग हैं। ना तो पहले हमारे रास्ते जुदा थे, ना इंदा कभी अलग होंगे, क्योंकि अगर ऐसा होना होता तो हमारे रास्ते कभी एक होते ही ना। अलीज़े प्लीज, सिर्फ एक बार मेरा साथ दो। नहीं पाया देता इश्क दुहाई है वो मौत की घड़ी, कोई जब ना मिले शब गम के सिवा, कोई शब ना मिले। दिल बहुत घबरा रहा है। तबरेज, तुम आ गए बेटा, तुम ठीक तो हो ना? और तुम्हारे बाबा कहाँ हैं? अम्मी वो बाबा। बताओ तबरेज, कहाँ है ताया अबू? क्या हुआ है उन्हें? उन्हें पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। क्या? इस वक्त उन्हीं की कस्टडी में। मैं बात करता हूँ किसी से, हो सकता है उन्हें बेल हो जाए। या अल्लाह, ताई अम्मी, क्या हो गया?